उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का बड़ा ऐलान किया। दो साल पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के समय देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड अस्तित्व में आया था। बेशक चुनाव में ये बड़ा मुद्दा हो सकता था, हालांकि तीर्थ पुरोहित भी लगातार दबाव बना रहे थे और सरकार से नाराजगी जाहिर कर रहे थे। पिछले दिनों देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों ने, तीर्थ पुरोहितों ने, हक हकूकधारियों ने और जो पंडा समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने सभी से बात करी है, सभी के सुझाव आए हैं, सभी के विचार आए हैं। और इसके साथ साथ मनोहर कांत ध्यानी जी ने जो हमने उनके स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट हमको दे दी है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं और आगे चलकर हम सभी से बात करके जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस पर जो है आगे हम कार्रवाई करेंगे, तो सभी से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पल्लवी और आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार ये देवस्थानम बोर्ड भंग करने का फैसला क्यों हुआ और ये पूरा विवाद क्या था जिसके सामने सरकार झुकी है, यानी साधु संतों ने सरकार को झुका दिया। देवस्थानम अधिनियम पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के कार्यकाल में पारित हुआ था। इसके तहत चार धामों सहित प्रदेश के 51 मंदिरों के प्रबंधन के लिए बोर्ड का गठन किया गया। तब श्राइन बोर्ड की तर्ज पर त्रिवेंद्र सरकार ने देवस्थानम बोर्ड बनाने का फैसला किया। हालांकि चारों हिमालयी मंदिर जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहित लगातार देवस्थानम बोर्ड का विरोध भी कर रहे थे। सरकार का ये कहना था कि लगातार बढ़ रही यात्रियों की संख्या और इस क्षेत्र को पर्यटन यानी टूरिज्म के लिहाज से और तीर्थाटन की दृष्टि से मजबूत करने के उद्देश्य के मद्देनजर नियंत्रण जरूरी है। सरकारी नियंत्रण में बोर्ड मंदिरों के रखरखाव और यात्रा के प्रबंधन का काम बेहतर तरीके से हो पाएगा। पुरोहितों का इस पर मानना था कि बोर्ड का गठन उनके अधिकारों को छीनने के लिए हुआ है, यानी इनके अधिकारों का हनन होगा। सरकार इस बोर्ड की आड़ में उनके हकों को समाप्त करना चाह रही है। समय समय पर जो साधु संत थे वो धरना कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, अनशन के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, विरोध जता रहे थे। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि बात अगर करें केरल की, तो केरल में सभी हिंदू मंदिर सरकार की ओर से नियंत्रित हैं, अलग अलग बोर्डों के अंतर्गत आते हैं। त्रावणकोर, कोचीन, गुरुवयूर और मालाबार देवस्वम बोर्ड उनमें से प्रमुख है और आमतौर पर सत्ताधारी दल से जुड़े लोग इन बोर्डों के अध्यक्ष बन जाते हैं। तो अब बात तमिलनाडु की करें तो कहा जाता है कि उसे हिंदू धार्मिक और बंदोबस्ती अधिनियमों को आगे बढ़ाने का संदिग्ध गौरव प्राप्त है और लगभग 43,000 मंदिरों को सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से सीधे नियंत्रित किया जाता है। तो ये है वो देवस्थानम बोर्ड मामला जिसको लेकर लगातार विवाद चल रहा था। 2019 में जब इसका गठन हुआ उसके बाद से लगातार विवाद शुरू हुआ और अब इसे भंग कर दिया गया है।